दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम माइंड ब्लोइंग ट्रिक ऑफ द डे के पार्ट 32 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 32 की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल की आइकॉन होगी उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। और अगर आपने इसे पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो सहृदय धन्यवाद। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं आई तो ज़रूर डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए डिसलाइक करने का क्या कारण है ताकि हम हमारी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो चलिए, चाहे डिलाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं माइंड ब्लोइंग ट्रिक ऑफ द डे के पार्ट 32 में। दोस्तों, प्रश्न स्क्रीन पर है। ए, बी और सी आर द लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ ए बी एंड सी आर related by the relation a square plus b square plus c square is equal to ab plus bc plus ca, then find the value of sine square a plus cos square a plus sine square a plus sine square b plus sine square c। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हमें यह दिया गया है कि ए बी और सी ये किसी भी एक ट्राइंगल के तीन साइड्स की भुजाएं हैं और वह ए बी सी को एक रिलेशन में हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों, यह जो रिलेशन दिया गया है यह हमें बताता है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक इक्वेशन है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन या सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वह समझ लीजिए कि समझ लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हो तो यह हो गया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ए की वैल्यू स्क्वायर में है, बी की भी वैल्यू स्क्वायर में है और सी की भी वैल्यू स्क्वायर में है। अब अगर यह इस तरह से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, अब यह भी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि ए का यहाँ स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, यहाँ पे ए का वन इंडेक्स है, बी का वन इंडेक्स है, तो यह भी हो गया टू इंडेक्स हो गया और इसे भी बी का वन है, सी का वन है, तो इसका भी इंडेक्स टू हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इक्वेशन सिमेट्रिक किसे कहेंगे? इस तरह से दोनों साइड कैसे होनी चाहिए? एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो उसका हम कहेंगे कि सिमेट्रिक इक्वेशन है। यह ए स्क्वायर यहाँ पे टू है, इसका बी स्क्वायर यहाँ पे टू इंडेक्स है, सी का भी टू इंडेक्स है, ए बी यानी टू इंडेक्स है, बी सी यानी टू इंडेक्स है, सी ए यानी भी टू इंडेक्स है, तो इस तरह से हम इसे सिमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी सिमेट्रिक इक्वेशन होगा तो बेधड़ल्ले से यह समझ लीजिए कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, हम इसे एश्यूम कर सकते हैं। तो बेधड़ल्ले से चाहे दिया हो या न दिया हो हम एश्यूम कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दोस्तों, मैं तो आज एक ही इस प्रकार का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अलजिब्रा में कई प्रकार के एग्जाम्पल इस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ सिमेट्रिक इक्वेशंस या सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस पे बनाऊंगा। तो चलिए, यह कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। तो मैंने कहा कि जब भी सिमेट्रिक इक्वेशन में रिलेशन दिया हो या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो तो बेधड़ल्ले से अश्यूम कर लीजिए कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब हमने देख लिया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो हम अश्यूम कर लेंगे कि a की वैल्यू 60 है तो b की भी वैल्यू 60 हो जाएगी और c की भी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी।
जाएगी। अब ए 60 डिग्री हो गया, बी 60 डिग्री हो गया, सी 60 डिग्री हो गया, तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी रूट 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 प्लस यह हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम इसे अगर सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 3 3 9, तो यह हो जाएगा 9/4। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो दोस्तों इतने आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यह देखना है हमें कि यह जो हमें रिलेशन दिया है यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। मगर कॉमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और आप यह भी चाहते हैं कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन या सिमेट्रिक इक्वेशन पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, मैं ज़रूर इस पर एक अलग वीडियो स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में मैं आपके सामने दो बुक्स बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसे यूज़ कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में प्रश्न सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों वह दो बुक्स यह है, एक है एसएससी सीजीएल टायर 1 कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसे एग्ज़ाम गोलपोस्ट ने पब्लिश किया हुआ है, जिसमें 3200 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें सारे ही टॉपिक्स डील किए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स भी है, और कंप्लीट सिलेबस पर फोकस किया हुआ है, एंड इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और यह किताब लिखी है डॉक्टर बिमल सी कुमार ने। उसी तरह से दूसरी बुक है वह अरिहंत पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, और यह बैंक पीओ, NDA, CDS, SSC, CGL, MTS, LDC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होती है। पूरा इंग्लिश का ग्रामर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो लिखी है SP बख्शी ने। आप इसे अगर परचेस करना चाहते हो तो यह दोनों किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके जरिए आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से एक बार मैं कहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।